नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बिहार अनुदेशक भर्ती 2024 को लेकर, जो ये लोग चले गए थे गेस्ट वाले सुप्रीम कोर्ट में, उसका नतीजा आ चुका है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट से बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जीत हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के लिए गए हुए थे कि उनको भी बेनिफिट मिल पाए, ऑलरेडी पटना हाईकोर्ट ने इनको कैंसिल कर दिया था, सारी केसेस खारिज कर दिया था, फिर भी इनको तसल्ली नहीं मिली और ये सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या देखने को मिला है वो सभी इस वीडियो में आप लोग पहले गौर से सुनिए, फिर आप लोगों से बात होगी कि रिजल्ट और स्कोर कार्ड बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया है, हालांकि पटना हाई कोर्ट ने ऑलरेडी आदेश दे दिया था और सभी केसेस को खारिज कर दिया था और बोला था कि बीटीएससी और राज्य सरकार अपने तरफ से क्लियर है, स्वतंत्र है, इस बहाली को जल्दी से क्लियर करवा सकती है, मतलब अपने हिसाब से इस वैकेंसी को कंप्लीट कर सकती है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा। देखिए जो बातें सच हैं, अगर आप आईटीआई या डिप्लोमा या डिग्री करने के बाद एक साल सीआईटीएस किए हुए हैं तो वेटेज आपको ही मिलना चाहिए, फिर वेटेज बीच में क्या, हालांकि पहले लोग सीआईटीएस को नहीं जानते थे, अब सीआईटीएस सभी लोग जानने लगे, लेकिन फिर भी सीआईटीएस वालों को वेटेज हमेशा मिलना चाहिए। अभी देखिए राजस्थान में क्या हुआ है, वहाँ पे सीआईटीएस वालों को वेटेज दिया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम वहाँ भी राजस्थान कोर्ट में चले गए हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में, वहाँ भी क्या बोला जा रहा है कि वहाँ भी बोल रहे हैं कि जो नॉन सीआईटीएस है उनको भी अलाउ किया जाए। ठीक है, तो ये गलत बात है, मैं इस पर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। जो भी सीआईटीएस होल्डर है ना, वो यार एक साल किया है तो उसको तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, आप खुद अपने दिमाग से सोचिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए वीडियो मैंने फुल जो सुप्रीम कोर्ट का था फुल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, सक्सेस करियर नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और साथ में जो कैंडिडेट राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, सक्सेस करियर ऐप में मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल डाल दिया गया है, जिससे कि आप अपनी तैयारी करके हेल्प कर मतलब कि सहायता ले सकते हैं। ठीक है, आपकी पूरी हेल्प करेगा मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल आपको तैयारी करने में। यहाँ पे ये वीडियो मैंने पूरा कंप्लीट डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आप लोग मैं यहाँ पे अपनी गैलरी से इसको चलवा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना दिक्कत हो रही है टेलीग्राम चैनल से, गैलरी में ऑलरेडी है, मैं इसको गैलरी से ओपन करके चला दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को दिखाई दे दें। यहाँ पे ये वाला देखिए, Application which has to be done for all of them is the one which will be prescribed by the central government, which is the EGT. Sorry. Application which has to be done for all of them is the one which will be prescribed by the central government, which is the EGT. Now EGT have already prescribed that a qualification which is called the CFES and there is an RTM which is equivalent to CITS will be people who are qualified to be appointed to this post of instructors. My lord, that is it. The state by a side way through its rules, the 2013 rule gets set aside by the High Court saying you have to meet with the central government directive. When they come in 2018, they bring the rules and तो सुप्रीम कोर्ट में भी यही बोला जा रहा है कि डीजीटी ने ऑलरेडी इसको कंपलसरी कर दिया है, सीआईटीएस अनिवार्य कर दिया है और इसमें गेस्ट फैकल्टी या अदर इनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसके मैं भी सपोर्ट करता हूँ यार, जो सीबीटी क्वालिफाई है उनको आसानी से नौकरी मिलने दीजिए ना, आप लोग क्यों किसी के पीछे टांग अड़ाए पड़े हैं यार। आप अपनी क्वालिफिकेशन को और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ाइए ना, नहीं एलिजिबल है तो अगले साल मेहनत करके आइए, हर साल तो वैकेंसी इधर ना उधर आती रहती है। अभी देखिए 2023-24 मिलाकर बहुत सारे इंस्ट्रक्टर पोस्ट निकल कर आई हैं, यूपी इंस्ट्रक्टर आया, दिल्ली डीएसएसबी इंस्ट्रक्टर आया, झारखंड इंस्ट्रक्टर आया, उत्तराखंड इंस्ट्रक्टर आया, फिर राजस्थान इंस्ट्रक्टर आया, ओडिशा इंस्ट्रक्टर आया। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन वैसा कर लीजिए, फिर क्यों दूसरे के जॉब के पीछे लगे हुए हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, प्रशिक्षित अनुदेशक अभ्यर्थी संघ रिजल्ट जारी न होने पर करेगा आंदोलन। ठीक है, और ये 1 जून 2024 के दैनिक भास्कर में निकला हुआ था, इसमें क्या निकला हुआ था कि बीटीएससी सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक ऑनलाइन परीक्षा कराए थे और जनवरी माह में ये फाइनल आंसर की भी निकाल दिया था। और ये देखिए सीआईटीएस प्रशिक्षित अनुदेशक अभ्यर्थी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार यादव जी कह रहे हैं कि अगर बीटीएससी
4 जून तक स्कोर कार्ड जारी नहीं करता है तो आंदोलन करने को हम सभी बाध्य होंगे। आंदोलन करने का निर्णय 25 मई को कोर कमेटी में बैठक किया गया। तो ये आंदोलन कब करने के लिए, अगर 4 जून तक स्कोर कार्ड, आज तो 4 जून है, सुप्रीम कोर्ट से भी सारी चीज़ें आ गई, तो अब तो रिजल्ट जारी करना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसका रिजल्ट, आज 4 जून है, रिजल्ट नहीं आया, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, 7 जून सुबह 11 बजे नियोजन भवन और BTSC पटना पहुँचे ITI अनुदेशक भर्ती विभाग की लापरवाही एवं उदासीनता के खिलाफ ये आवाज़ उठाने वाले हैं और वहाँ शांतिपूर्वक अपनी ये आंदोलन करेंगे। या जो भी पास आउट कैंडिडेट हैं उनके लिए कांग्रेचुलेशन है, और आप लोग भी यहाँ पे जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, या आपकी मर्जी के ऊपर है, क्योंकि सभी लोगों को मिलकर ये देखिए भर्ती कंप्लीट करवानी पड़ेगी आप लोगों को। तो जो भी यहाँ पे CBT क्वालिफाई हैं इन सब में आप लोग आपके विवेक के अनुसार इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपका जैसा दिल का है, ठीक है। हालांकि BTSC और आप वहाँ पे जाकर रिजल्ट का बात पूछ सकते हैं कि कब तक सर हम लोगों का रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी, ये आप लोग अपनी विवेक से जो भी पटना के पास से जाकर पूछ सकते हैं। और इसी तरह की किसी भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और साथ में यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप लोगों को उसमें तुरंत मिलती रहती है। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।